हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या, आगे जी के रिमा और प्रियंका का लव स्टोरी का सीजन 2 लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि गरिमा और प्रियंका के बीच में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, बट गरिमा को ये लग रहा होता है कि वो पीछे हट गई, इसीलिए प्रियंका उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही है। जहाँ प्रियंका के दिल में थोड़ा थोड़ा गलतफहमी मिट रहा होता है, इसीलिए प्यार थोड़ा थोड़ा सा झलक रहा होता है। सो देखते हैं स्टोरी में आगे क्या क्या मोड़ लाता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। सो जब अनाया रूम नॉक करने लगती है तो प्रियंका बाहर निकलती है। तो अनाया पूछती है गरिमा है, तो प्रियंका बोलती नहीं, वो डिनर के लिए चली गई। तो अनाया बोलती है बट मैंने तो नहीं देखा वो, मैं तो तब से वेट कर रही थी। तो प्रियंका बोलती है वो चली गई ना, अब तुमको समझ नहीं आता क्या एक बार में बोलने से? तो अनाया बोलती कि ओके बट मैं तो उसका वेट कर रही थी। तो प्रियंका बोलती कि उसको भूख लगी ना, वो चली गई। अब तुम ना तुमको भी भूख लगी है ना, तुम जाओ उसका वेट मत करो, तुमको वो कैंटीन में मिल जाएगी। और इसी करके जबरदस्ती से ना दरवाजा बंद करने लगती है। तो अनाया को कुछ समझ नहीं आता, बोलती कि अच्छा वो चली गई यार, कोई नहीं कैंटीन में मिल लूंगी, और ऐसे बोल के वो आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ जैसे ही रूम लॉक करती है ना, तो गरिमा उसके तरफ एकदम शक भरे निगाहों से देखती है, बोलती कि ये क्या था। तो प्रियंका उसके तरफ देखते हैं, बोलती ऐसे क्या देख रही हो? तो गरिमा बोलती है नहीं कुछ नहीं, तुमने अनाया को क्यों भेज दिया? तो प्रियंका बोलती है कि तुम वो पढ़ाई कर रही थी ना? तो गरिमा बोलते हाँ बट मैं डिनर भी तो करने जाने वाली थी ना। तो प्रियंका बोलती है तुम पढ़ रही थी तो तुमको पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं पसंद, इसलिए मैंने उसको भेज दिया। तो गरिमा बोलती है बट यार। तो प्रियंका बोलती है कि अब मुझे नहीं पता, भेज दिया तो भेज दिया, इतना दर्द हो रहा है ना, जाओ उसके पीछे पीछे। तो गरिमा बोलती है कि यार ऐसी बात नहीं है, वो आई थी ना बेचारी। तो प्रियंका बोलती है अच्छा वो बेचारी? तो गरिमा बोलती है यार कहाँ अच्छी खासी मधुमक्खी के छत्ते में हार डालना। बोलती नहीं 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 वो कहाँ बेचारी है, और हमें हमें भी तो जाना है ना, तो मैं मुझे भूख लगी, तुमको भी आई गेस लगी होगी। तो प्रियंका बोलते हैं हाँ लगी है, बट तुमको तो अनाया के साथ जाना है ना। तो गरिमा बोलती है यार अब इसका फिर क्या हो गया, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो प्रियंका बोलती है जाओ वो जा चली गई है ना, तुम डोंट वरी, तुम्हारी बुक्स वगैरह मैं समेट लूंगी। तो गरिमा बोलते है नहीं, मुझे इतना ज्यादा भूख भूख नहीं लगा है, बस ये एग्जाम है, ये सॉल्व कर लूँ फिर चली जाऊंगी। तो प्रियंका ना उसको एकदम घूर के देखती है और अपने बेड में ना बैठ जाती है। तो गरिमा बोलती है तुमको तुमको भूख नहीं लगी है? तो प्रियंका बोलती है कि हाँ लगी है, तो तुम्हारे लिए वेट की हूँ। तो ये सुन के ना गरिमा तो भाई साहब एकदम शॉक हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। तो प्रियंका बोलती है ऐसा क्या देख रही हो? तो गरिमा बोलती है तुम पक्का मेरे लिए वेट की हो? तो प्रियंका बोलती है हाँ तुम्हारे लिए ही वेट की हूँ, क्यों नहीं वेट कर सकती? तो गरिमा बोलती है यार स्ट्रेंज, बोलती नहीं, वेट कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, मैं बस बस इतना सा है, मैं आके कर लूंगी, इसमें क्या है? तुमको भी भूख लगी होगी ना, मेरे लिए वेट कर रही हो, ऐसे बोल के ना वो जल्दी जल्दी से सारे जो उसके बुक वगैरह फैलाई होती है ना वो समेटने लगती है और एकदम तो बड़बड़ाने लगती है। तो प्रियंका बोलती है इतना क्यों बड़बड़ा रही हो? तो गरीब बोलती है कि तुमको भूख लगी होगी ना, साथ साथ में जाना है ना हम लोगों को, इसलिए इसलिए मैं थोड़ा सा वो समेट रही हूँ। तो प्रियंका उसकी ये हालत देख के उसको बड़ी हंसी आती है, बट वो उसके सामने एकदम रूड टाइप बिहेव करके ना ऐसे बैठी होती है, दूसरी तरफ देख रही होती है। थोड़ी देर में ना गरिमा भी सारा बुक वगैरह समेट लेती है और गरिमा प्रियंका को बोलती है कि मेरा हो गया, चलो साथ में चलते हैं। तो गरिमा बोलती है ठीक है, ऐसे बोल के ना वो आगे आगे बढ़ने लगती है। बट उसको आगे आगे जाना भी ना गरिमा को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। एटलीस्ट प्रियंका और उसकी यार प्यार ना सही, दोस्ती तो एटलीस्ट हो ही गई है यार, क्योंकि गरिमा ऐसा चाहती है कि प्रियंका चाहे दूर भी रहे पास भी रहे, बस उसके साथ उसके टच में रहे, दोस्ती में रहे और वो खुश रहे। तो गरिमा उसको देखे ना बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, मन कर रहा होता है उसको पीछे से हक कर ले। फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं नहीं यार, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये सोचना भी गलत है, ऐसे बोल के उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तो प्रियंका बोलते है मैं पीछे पीछे क्यों आ रही हूँ, मेरी बॉडी गार्ड हो? तो गरिमा बोलते नहीं, तुम वो आगे जा रही थी ना, तो प्रियंका बोलते तो साथ चलो। तो गरिमा बोलते हाँ, ऐसे बोल के वो साथ साथ चल रही होती है। और प्रियंका को अंदर से ना बहुत अच्छा लग रहा है कि होता है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम गरिमा और वो साथ साथ चल रहे। प्रियंका का बहुत मन करता है कि गरिमा का हाथ पकड़ ले, बट वो बोलती नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो उसको पता चल जाएगा और इसको इतनी जल्दी तो मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने उसको माफ कर दिया, नहीं, मुझे ये नहीं करना, ऐसे बोल के ना वो अपने हाथ को उसे फोल्ड कर लेती है। तो गरिमा बोलती क्या हुआ, ठंड लग रही है क्या? तो प्रियंका बोलती तो गरिमा बोलती अरे एक सेकेंड रुको, मैं मेरा जैकेट बाहर रही है, मैं अभी अभी जाती हूँ रूम में लेके आती हूँ। तो प्रियंका गरिमा जैसे बाहर मतलब पीछे मुड़ने लगती है,
प्रियंका उसका तुरंत से हाथ पकड़ लेती है, तो उसके अचानक से इतने टाइम बाद हाथ पकड़ने से ना गरिमा का बॉडी एकदम शिविर हो जाता है, उसके पेट में बटरफ्लाई एकदम भागने लगते हैं और बस एकदम कांपते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो प्रियंका बोलती क्या हुआ, तो गरिमा बोलती कि क्या हुआ, तो प्रियंका बोलती है नहीं मुझे ठंड लगी है, चलो चलते हैं, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ लेती है और साथ साथ चलने लगती है। प्रियंका को तो बहुत ज्यादा अंदर से अच्छा लग रहा होता है, सुकून लग रहा होता है, और उसका हाथ पकड़ के बहुत ज्यादा सुकून लग रहा होता है और अंदर से बहुत ज्यादा खुश होती है, बट फेस पे एकदम गुस्सा वाला एक्सप्रेशन रखे उसको जता ही नहीं रही होती है। बट यहाँ पे गरिमा एकदम नर्वस हो चुकी होती है प्रियंका के बस हाथ भर पकड़ लेने से, और उसकी पूरी बॉडी अंदर से शिविर होती रहती है। और ये दोनों एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ के ना जैसे ही कैंटीन में एंटर करते हैं ना, तो सामने से जीत एकदम सफा से हे हाय प्रियंका मैं यहाँ, ऐसे बोल के ना जैसे जीत एकदम जोर से चिल्लाता है ना, प्रियंका के हाथों से गरिमा का हाथ छूट जाता है। और एक स्टेप जैसे ही वो आगे बढ़ जाते हैं ना, प्रियंका गरिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बस वो उसको जाते हुए देखती रह जाती है। तो प्रियंका थोड़ा सा रुकती है और टर्न करती है, तो गरिमा अपनी आंसू ना जैसे तैसे छुपा के ना वो भी आगे बढ़ने लगती है। तो प्रियंका बोलती है क्या हुआ, तो गरिमा बोलते हैं नथिंग। तो प्रियंका बोलती है चलो फिर भूख लगी, ऐसे बोल के उसका हाथ फिर से पकड़ के ना उसको अपने साथ ले जाती है। बट यहाँ पे ना जीत पहले से आ जाता है और बोलता है कि वेव्स मैंने मैंने तुम्हारी भी प्लेट ले ली है, चलो साथ में बैठ के खाते हैं। तो प्रियंका बोलती है कि नहीं मैं बैठ लूंगी ना, तो जीत बोलते हैं वेव्स ऐसे करोगी क्या, हम दोनों हमेशा साथ में खाते हैं ना, ऐसे बोल के उसको खींचता हुआ ले जाके ना अपने साथ टेबल में बिठा देता है। उतने देर में ना जो होता है आशीष वो भी आता है, बोलता है कि ये तू अभी आ रही है, तो गरिमा बोलती है हाँ मैं अभी आ रही हूँ बट यार मेरा भूख मर गया, ऐसे बोल के वो रिटर्न जाने लगती है। तो आशीष एकदम से बोलता है वेट 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 यार तेरी भूख मर गई बट मेरी तो नहीं मरी है ना, चल ना मेरे साथ बैठ जा। तो गरिमा बोलती है नहीं यार मेरा मन नहीं है, ऐसे बोल के वो टर्न करने लगती है। तो आशीष की नज़र भी जीत और प्रियंका के ऊपर पड़ती है, और जीत बहुत प्यार प्यार से प्रियंका को खिला रहा होता है, बट प्रियंका का ध्यान बार बार गरिमा की तरफ होता है। तो आशीष बोलते हैं तो उसके लिए भूखी रहेगी, तो मतलब सेम स्टार तो छोड़ दी है, भूखी भी रहना है बीमार भी होना है, गर्लफ्रेंड तो गई है रास्ते में भीख ही मांगना है। तो गरिमा बोलते हैं ऐसा नहीं है, मैं कुछ बनने आई हूँ और अपने मम्मी पापा को कुछ बन के ही दिखाऊंगी। तो जीत तो आशीष बोलते हैं ऐसे बनेगी भूखे पेट, हाँ भूखे पेट बेटा भजन नहीं होता, इतनी बात तो तुझे पता ही है। तो गरिमा बोलते हैं कि ठीक है फिर चल खा लेते हैं, बट वो बार बार उसकी नजर ना प्रियंका और जीत की तरफ जा रही होती है और खुद के दिल को समझा रही होती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है गरिमा, अब तुझे अपने दिल को संभालना ही पड़ेगा, तुझे तुझे ये चीज भूलनी पड़ेगी कि वो कभी तेरी थी अब वो नहीं है, ऐसे बोल के वो दिल को अपने बहुत ज्यादा काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है। बट उससे उसका दिल काबू हो ही नहीं रहा होता है, उसके आंखों से जबरदस्ती से आंसू वो छुपाने की कोशिश तो कर रही होती है बट उसके आंसू ना यार छुप भी नहीं रहे होते, और वो मतलब ऐसे ही नम आंखों से ना वो ऐसे प्लेट लेके आती है। इन दोनों का टेबल ऐसा होता है कि प्रियंका का फेस गरिमा की तरफ होता है और गरिमा का फेस प्रियंका की तरफ होता है, दूर से एक दूसरे को देख रहे होते हैं बट बीच में बहुत 4-5 टेबल का फासला होता ही है। और प्रियंका ऐसे खाते खाते ना गरिमा की तरफ देखती है, तो गरिमा की आंखों में हल्के से आंसू होती है। तो जीत से थोड़ा सा अलग होकर जैसे ही बैठने की कोशिश करती है, जीत उसके कंधे पे हाथ डाल देता है, बोलते कि बीबी कहाँ जा रही हो यार प्लीज बैठो ना। तो प्रियंका बोलती है कि क्या कर रहे हो जी, तुम भूल रहे हो शायद हम फेक है कपल। जीत बोलते वीवी तुम भूल रहे हो हम कैंटीन में बैठे हैं, मैं कहाँ पर्सनली तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, कैंटीन में तो पकड़ा हूँ ना, तो ढूंढ भी चली। हाँ तो प्रियंका भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसने पूरे कॉलेज को बता ही रखा होता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो क्या ही बोलती। तो उसको जीत के हाथों से ना मतलब ना चाहते हुए भी खाना पड़ रहा होता है। उधर ना गरिमा जीत के आशीष के साथ बैठ तो जाती है बट उसको खाने का मन नहीं हो रहा होता है, और आशीष बोलता है कि यार क्योंकि गरिमा को उसको खिलाना होता है, तो ऐसे बोलने लगता है कि यार कितना मौसम खाना यार, मेरे को तो पता ही नहीं था यार हमारे हॉस्टल में ऐसा भी खाना होता है, गरिमा तो तू क्यों नहीं खा रही यार कितना औसम खाना है, ऐसे बोल के ना उसको इस एक बाइट लेके रोटी का उसके मुंह में डालने की कोशिश करती है। तो गरिमा बोलती यार आशीष प्लीज मत कर ये सब। तो आशीष बोलते क्या कर रहा हूँ मैं, सच में बहुत डिलीशियस है यार आज का खाना, जिस कुक ने बनाया ना मन करता है ना उसका हाथ चूम इसे खाने लगती है। तो गरिमा उसके तरफ देखती है और बोलती क्या हरकत है ये, यहाँ क्यों बेइज्जती करवा रहे हर जगह। तो आशीष बोलते है क्या क्या बेइज्जती किया मैंने यार, सच में कितना डिलीशियस खाना है, तो खा के देख रहे यार एटलीस्ट एक बाइट तो खा के देख लेना बेब्स प्लीज, ऐसे बोल के एक बाइट उसके मुंह में देता है। तो गरिमा खा लेती है और कुछ नहीं बोलती, प्रियंका की तरफ देखने लगती है। तो आशीष बोलता है कि यार और एक बाइट ले लेना।
ऐसे करके ना दो चार बाइट उसको खिला के ना एक रोटी कंप्लीट कर देता है। बट गरिमा को पता ही नहीं चल रहा होता है, वो प्रियंका की तरफ देखने लगता है और उतनी देर में ना आशीष भी अपना खाना खत्म कर लेता है। बोलता है फिर चले यहाँ से और रात को मिलना भी है। तो गरिमा बोलते है तू तू नहीं खाएगा? तो गरिमा बोलती, इन गरिमा की बात सुन के आशीष बोलते हैं खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया, तूने भी खाना खा लिया, अब यहाँ पे बैठ के क्या तुम्हारी एक्स को देखते रहना है? भाई तुझे देखते रहना तो देखते रहे, मेरा तो कल यार एग्जाम है तो मुझे तो जाना ही है और तू भी मेरे साथ आ रही है रात को, हाँ भूलना मत। उतने देर में ना अनाया जो दूर बैठी खा रही होती है ना उसकी नजर यहाँ पे पड़ती है और देखती है गरिमा, गरिमा उसका खाना कंप्लीट हो गया और वो एकदम से प्लेट रख के ना इन लोगों के पास आ जाती है। तो आशीष बोलते हैं नॉट बैड बट तुम देर हो गई, हम हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है। तो अनाया बोलती कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा खाना कंप्लीट हो चुका है, मैं गई थी गरिमा को बुलाने बट वो नहीं थी। तो गरिमा बोलते कि वो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम मेरा वेट कर रही थी। तो अनाया बोलती इट्स ओके, कोई कोई बात नहीं, वो मैं तो आज हम तो ऐसे करने लगती है। तो आशीष बोलता है कि आज हम क्या, आज हम डेट पे जा रहे हैं क्या? तो अनाया एकदम से घबरा जाते, तो गरिमा आशीष को एकदम से थप्पड़ मारती, उसके पैर पर बोलती है और क्या कर रही है वो बच्ची है यार। तो आशीष बोलता है हाँ बट बहुत ब्यूटीफुल बच्ची है, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? तो ये सुन के ना अनाया और ज्यादा घबरा जाती, तो जो जो गरिमा होती है ना उसको एकदम से धक्का देती है और बोलती है अनाया इसके बाद तो डोंट माइंड यार, कि ऐसे मजाक करते रहता है। तो आशीष बोलता हाँ हाँ डोंट माइंड, तो आज रात करने आ रही हो ना पढ़ाई? तो अनाया बोलती कि हाँ वही बोलने के लिए मैं आई थी। तो गरिया बोलती है ठीक है फिर साथ में निकलते हैं जैसे पिछली बार निकले थे। तो आशीष बोलता है डन 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 और पार्क में ठीक है, और मैं आज चिप्स वगैरह सब कुछ लेके आऊंगा। तो गरिया बोलते हाँ 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 कोल्ड ड्रिंक भी लेके आना, ड्रिंक भी लेके आना, वही पे पैक बना के पियेंगे। तो आशीष बोलता है कि सच्ची? तो गरिया बोलते मुक्का मारूंगा तेरे को, कुछ खाना पीना लेके मत आना, बुक लेके आना खाने पीने की जगह, इतना टूस टूस के तो खा लिया ना और कितना खाना है, ऐसे बोल के वो मजाक करने लगते। तो आशीष बोलता है यार तू मेरी दोस्त है कि क्या है यार? तो ये सुन के ना अनाया भी हंसने लगती है और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो अनाया को ऐसे जोकरा करते हुए सुन के ना करीमा को इतना जोकरा करता सुन के ना अनाया एकदम शॉक हो जाती है, मतलब इस लड़की का क्या है यार, बट जो भी है बहुत ज्यादा मतलब तो अच्छा है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि करीमा का हेल्पफुल नेचर, उसका स्ट्रीट बिहेवियर सब कुछ अनाया को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो अनाया बोलती ठीक है फिर, हाँ तो आपका खाना हो गया ना तो हम साथ में चले? तो करीमा बोलते हाँ हाँ बस ये प्लेट रखना था। तो अनाया बोलते दो ना मैं रख देती हूँ। तो करीमा बोलते अरे नहीं, मैं कर सकती हूँ। अनाया बोलते अरे दो ना प्लीज, आप मेरी इतना हेल्प कर रहे हो, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो करीमा नहीं नहीं बोल रही होती, और इन दोनों के बीच में ना ये प्लेट की खींचातानी हो रही होती है और दूर बैठे प्रियंका देखे ना उसका ना जान चल रहा होता है, वो जो चम्मच होता है ना उसको मार मार के ना नीचे एकदम गड्ढा टाइप करना करने टाइप हो चुका होता है। तो जीत बोलता है क्या हुआ बीबी, क्या गड्ढा कर दोगी क्या, यहाँ पे कुआं खोदने का प्लान है? तो प्रियंका एकदम से वो अपने होश आवाज भी नहीं होती और बोलती कि गड्ढा तो नहीं बट मर्डर करने का प्लान जरूर है। तो जीत बोलता है क्या किसका मर्डर? तो प्रियंका घबरा जाती है, बोलती है नहीं, कुछ कुछ नहीं, मेरा मेरा खाना हो गया, तुम खा लो। तो जीत बोलता है कि बेबी तुम भी अपने हाथों से मुझे खिलाओ ना जैसे मैंने खिलाया। तो प्रियंका उसको घूर के देखती है, तो जीत बोलता है कि यार सब लोग देख रहे हैं यार, कभी तो तुम अपने हाथों से मुझे खिला दिया करो ना, मेरा भी थोड़ा सा पब्लिसिटी हो जाएगा। तो प्रियंका ना चाहते हुए भी ना जीत को अपने हाथों से खिलाना पड़ता है, मतलब उसके दिल में पत्थर चुबा के एकदम खाने का उसको खिला रही होती है और दिल ही दिल में बोल रही होती है कि किसी दिन ना तेरे को जहर दे दूंगी, मेरी मजबूरी का फायदा तो उठा रहा है ना, उठा ले उठा ले, बट कुछ दिन बाद ना ये नोटेंगे ना मैं खत्म ही कर लूंगी। और वो ऐसे मतलब खिला रहा होता है, खिला रही होती है जीत को। तो जीत एकदम खुशी खुशी खा के ना उसको स्माइल करता हुआ देख रहा होता, बट वो स्माइल भी प्रियंका को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही होती है। और दूसरी तरफ अनाया गरिमा का प्लेट लेके और रख लेती है और फिर से आती है और बोलती है चले। तो ये आशीष अनाया और गरिमा वहां से जाने लगते हैं, तो प्रियंका भी एकदम से उठ जाती है। तो आशीष बोलते बीवी क्या हुआ, मेरा तो खाना कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो प्रियंका बोलती तो खुद से खा लो ना, अपना हाथ नहीं है क्या? तो जीत बोलता है प्लीज ना यार, मैं तुम्हारा इमेज का ख्याल रखा, तुम मेरे इमेज का नहीं ख्याल रख सकती, प्लीज ना प्लीज, बस दूर निवाला है ना और तो खिला लो। तो प्रियंका ना चाहते हुए भी फिर से वहां पे बैठना पड़ता है और एकदम जोर जोर से उसको खिलाने लगते स्पीड स्पीड। तो अजीत बोलता मुंह में यार तुम कितना खिलाते हो, रुक जाओ रुक जाओ। तो प्रियंका बोलती तो खुद से खा लो ना क्यों? तो अजीत बोलते प्लीज यार मैं रोश हो तुम। तो प्रियंका एकदम से चुप होके बैठ जाती है और कुछ नहीं बोलती। वहां पे अनाया और करीमा और आशीष जाने लगते हैं, बट प्रियंका को भी बहुत जाने का मन कर रहा होता है, बट वो हमारे जो ग्रेट ग्रेट जीत है उनकी वजह से उठ के जा ही नहीं पा रही होती और ये लोग कैंटीन से निकल के चले जाते हैं। तो जी आशीष तो अपने हॉस्टल की तरफ चला जाता है और अनाया और करीमा एक साथ होते हैं। तो
हना बोलती कि कल कल आप मेरे साथ आओगे ना ब्रेकफास्ट पे। तो गरिमा बोलती क्यों, तो हना बोलती कि वो मम्मा ने मेरे लिए कुछ स्पेशल भेजा था, तो मैं चाहती थी कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो गरिमा बोलती अच्छा मम्मा स्पेशल। तो अनाया बोलती हाँ, वो मम्मा 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 स्पेशल। तो गरिमा बोलती फिर इतना डर क्यों रही है यार, मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे साथ घर, इनफैक्ट हाँ रात को ले आओ ना, भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे। तो अनाया बोलती कि नहीं रात को नहीं, मैं सुबह ही लाऊंगी। तो गरिमा बोलती इट्स ओके तुम्हारी मर्जी। और ये लोग ऐसे बात करते कहते हैं ना चले जाते अपने अपने रूम में रात की तैयारी करने के लिए, और गरिमा फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे प्रियंका को जैसे तैसे ना जीत को ठूस ठूस के खाना खिला के ना वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, और एकदम भागते भागते ना वो अपने जो होता है हॉस्टल की तरफ भागने लगती है, और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि दोनों क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं गरिमा को जानती हूँ जितना, तो वो उसको तो बच्ची बोलती है ना, कुछ नहीं उसके दिमाग में ना उटपटांग चीजें ही चलने लगती है। और जैसे ही आती है देखती है कि हनाया अपने रूम में है और गरिमा अपने रूम में, तो उसके ना मतलब दिल को थोड़ा सा ठंडक मिलता है और वो अपने रूम के अंदर घुस जाती है। तो गरिमा उसको देखते हुए बोलती है कि तुमको देर हो गया। तो प्रियंका बोलती है हाँ देर हो गया, तो क्या हो तुमको उससे क्या। तो ऐसे बोल के अपने रूम में जाके अपने बेड में जाके बैठ जाती है। तो गरिमा बोलती है यार मैं भी क्या बोल रही हूँ, वो बॉयफ्रेंड था उसका, बातचीत करने में टाइम तो लगता है। गरिमा अपने दिल को समझा ले वो तुम्हारी नहीं है यार, अच्छा उसका ही दर्द ही होगा, ऐसे बोल के वो फिर से बुक देखने लगती है। तो प्रियंका चुप चुप के गरिमा की तरफ देखने लगती है, और ऐसे करते करते ना टाइम धीरे 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 जा रहा होता है, बट जो प्रियंका है ना वो सो ही नहीं रही होती। तो टाइम जैसे ही 1 बज जाती है ना, तो गरिमा अपना बुक पैक करने लगती है। तो प्रियंका बोलती है कि तुम कहीं जा रही हो, तो गरिमा बोलती है हाँ वो कंबाइंड स्टडी है जो उस दिन भी हम गए थे ना अनाया मैं और आशीष। तो प्रियंका पूछ लेती कि अनाया भी जा रही है, तो गरिमा बोलती है कि हाँ वो उसने बोला था तो मैंने हाँ बोल दिया था। तो प्रियंका बोलती है कि तो मैं भी हूँ। तो गरिमा बोलती है तुमको क्यों आना, तुम रेस्ट करो ना। तो प्रियंका बोलती है कि नहीं मुझे मुझे भी कुछ डाउट्स वगैरह है, तो तुम तो बहुत अच्छा सॉल्व करती हो ना चीज़ें, तो मैं मेरा भी कर लेना। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है बट तुमको तो रात में नहीं सोती हो तो सर दर्द करता है ना, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, मैं सुबह सोऊंगी ही नहीं, तुम्हारा सॉल्व कर दूंगी। तो प्रियंका बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है मुझे ले जाने में, हाँ क्या तुमको लगता है तुम्हारे और अनाया के बीच में आ जाऊंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो गरिमा बोलती है ओके 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 तुम आ जाओ, ओके कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ आ जाओ, ऐसे बोल के ना उसको पैक करने में हेल्प करने लगती है। और ये दोनों जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं ना, अनाया उनका पहले से वेट कर रही होती है, और अनाया प्रियंका को देखकर एकदम शॉक हो जाती है, और गरिमा को ना एकदम क्वेश्चन मार्क वाले नजरों से देखने लगती है। तो गरिमा बोलती है कि ये हाँ आज प्रियंका भी हमारे साथ पढ़ने वाली है। तो अनाया कुछ नहीं बोलती इतना, और ये तीनों ना रूम से बाहर निकल के चुपके चुपका दे मतलब चुप चुपाते हॉस्टल से बाहर वो चले जाते हैं जहाँ पे आशीष उनका वेट कर रहा होता है, और फिर चुपके चुपका से हॉस्टल दोनों हॉस्टल से बाहर निकल के गार्डन में बैठ जाते हैं। और रात में ना व्यू इतना औसम होता है ना गार्डन का, गरिमा लोग तो कभी नोटिस ही नहीं किए होते, बट प्रियंका जैसे ही देखती है ना चारों तरफ वो उसके मुँह से बस एक ही लफ्ज निकलता है, वाह जस्ट वाह, खिला हुआ आसमान, उसमें चांद की रोशनी और उसमें बिखरे हुए सितारे, इतना रोमांटिक होता है ना। गरिमा प्रियंका को पता ही नहीं चलता, और वो गरिमा का हाथ पकड़ के ना उसको हक करके लेट मतलब चल रही होती है। जैसे गरिमा को ये चीज महसूस होती है ना, उसको समझ नहीं आता कि ये क्या है, और वो एक पल के लिए रुक जाती है, तो प्रियंका भी रुक जाती है, तो उसको रियलाइज होता है कि वो इतनी देर ना गरिमा का हाथ पकड़ के चल रही है होती है। तो थोड़ा सा गरिमा से दूर हो जाती है, तो प्रियंका को गरिमा बोलते कि तुम ठीक हो ना, तो प्रियंका बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट कितना रात को ये शहर कितना सुंदर लगता है ना, मैंने मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था। तो आशीष बोलता है कि हाँ बहुत सुंदर लगता है, बट अब हमें ना ये सुंदर सुंदर हमारे बुक में जो अक्षर है ना उसको अपने दिमाग के अंदर घुसाना है ना अनाया। तो अनाया बोलती है हाँ बिल्कुल, और वो लोग जहाँ पे बैठते हैं ना आशीष और अना वहाँ पे चले जाते हैं, और गरिमा का वेट करने लगते हैं। तो गरिमा प्रियंका का वेट करती है और बोलती है कि चलो आगे चलना है। तो प्रियंका बोलती है कि तुम रात भर पढ़ने वाले हो। तो गरिमा बोलती है हाँ बाबा इसीलिए तो मैंने तुमको बोला था कि मैं सुबह तुम्हारा हेल्प कर दूंगी एग्जाम से पहले। तो प्रियंका बोलती है नहीं, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रात भर जग लूंगी, ऐसे बोल के ये लोग भी आगे बढ़ने बढ़ने लगते हैं। तो जो ओस की बूंदे जो जो होता है नहीं घास ग्रास जो होते हैं वहां पे गिरी हुई होती है, तो इन लोगों के ना पैर भीग रहे होते हैं, और प्रियंका को ऐसे फील हो रहा होता है कि वो समंदर किनारे चल रही है, और उसको गरिमा का हाथ पकड़ने का ना बड़ा ही मन कर रहा होता है, दोनों इतने क्लोज क्लोज चल रहे होते हैं। तभी प्रियंका जो है ना अपने फिंगर खुद
को थोड़ा सा अप करके ना गरिमा के लिटिल फिंगर को चुपके से पकड़ लेती है। गरिमा जैसे ही ये चीज नोटिस करती है ना उसके तरफ देखने लगती है, बट प्रियंका ऐसे दिखाती है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं और वो आगे आगे चलने लगती है। तो गरिमा के फेस में भी बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ा है। भाई चाहे सिचुएशन कुछ भी हो और वो भी बहुत प्यार प्यार से धीरे धीरे चलने लगती है और प्रियंका के फेस में भी स्माइल तो होती है बट वो ये चीज गरिमा से छुपा लेती है। और धीरे धीरे ना ये लोग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं बट ये लोग पहुंच ही नहीं रहे होते, इतने स्लो चल रहे होते हैं कि तो आशी बोलते हैं मैडम जी आज ही पहुंचने का प्लान है क्या, ये कल परसों तक आना है। तो इन लोगों की बातों मतलब इन मतलब आशीष के बातों से गरिमा और प्रियंका का ध्यान टूटता है। तो गरिमा बोलती है हाँ, आ रही हूँ यार, तो तू कितना टॉन्ट करता है यार, तो मेरा दोस्त है कि सोता नहीं, कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता। तो गरिमा की बात सुन के आशीष बोलते हैं स्वाति समझ लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मेरी गर्लफ्रेंड बना लो। तो गरिमा ने एकदम गुस्से में उसकी तरफ देखती, तो आशीष बोलते सॉरी 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 यार सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे प्रियंका आ जाओ यार, तुम भी कितना स्लो चलती हो। तो गरिमा प्रियंका का हाथ पकड़ती है और तेज तेज आगे चलने चलने लगती है, बोलती कि चलो वो लोग बोल रहे। तो प्रियंका बोलती तो क्या हुआ बोलने दो ना। तो गरिमा बोलते नहीं यार पढ़ाई के लिए देर हो रहा है चलो पढ़ते, और ऐसे बोल के ना अनाया के पास बैठ जाती है। अनाया के पास जैसे बैठती है ना गरिमा, तो अनाया थोड़ा सा और ज्यादा गरिमा के क्लोज होके बैठ जाती है। गरिमा तो ये चीज नोटिस नहीं करती बट प्रियंका ये चीज नोटिस कर लेती है और उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है ना अनाया के ऊपर कि वही बुक उठा के उसको मार दे। तो जैसे ही सारे लोग बुक ओपन करते हैं, मतलब अनाया और प्रियंका का तो सेम सेम ही होता है ना, तो आशी बोलता है यार तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं बैठ जाते, तुम दोनों तो सेम क्लासमेट हो। तो अना बोलते नहीं, मैं गरिमा के पास ठीक हूँ, और ऐसे बोल के और थोड़ा सा क्लोज होके उसके साथ बैठ जाती है। तो आशी बोलता है ठीक है फिर, और ऐसे बुक निकाल कर लोग पढ़ने लगते हैं। बट अनाया ना चुपके चुपके गरिमा को देख रही होती है और अपना सॉम सॉल्व भी कर रही होती है, और उसको जो सॉम इजी से इजी होता है ना वो भी गरिमा से पूछने की कोशिश कर रही होती है। और ये सारी चीज प्रियंका नोटिस कर रही होती है और उसको इतनी जलन होती है ना कि वो क्या बोले। और वो गरिमा को बोलती है गरिमा वैसे तुम आशीष ही बोल रहा था मुझे अनाया के पास बैठना चाहिए ना, तुम इधर आ जाओ आशीष के पास। तो गरिमा बोलती कि पक्का, तो अनाया बोलती है नहीं, मैं कंफर्ट हूँ, इट्स ओके, तुमको कोई दिक्कत होगी तो तुम पूछ लेना उधर से, मैं बता दूंगी। तो प्रियंका बोलती है अरे नहीं, हम एक साथ पढ़ेंगे ना ज्यादा अच्छा होगा। तो गरिमा बोलती है हाँ प्रियंका तो ठीक बोल रही है, ये बेस्ट है, तुम दोनों एक साथ बैठ जाओ। और गरिमा आ जाती है प्रियंका के जगह और प्रियंका अनाया के पास बैठ जाती है। तो अनाया को इतना गुस्सा आता है ना, वो गुस्से भरे निगाहों से ना अनाया को देखती, तो अनाया को भी इतना खुन्नस आता है ना कि वो एकदम आके बड़ी बड़ी करके अनाया को देखने लगती है। और ये दोनों एक दूसरे को ना एकदम विलन वाला एनिमी वाला लुक दे रहे होते हैं, और आशीष और गरिमा इन चीजों से अनजान बेचारे पढ़ाई में डूबे हुए होते हैं। तो अनाया एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम ये अच्छा नहीं की। तो प्रियंका भी एकदम गुस्से में बोलती है कि मैं करूंगी क्या कर लूंगी, एकदम टशन दे रहे होते हैं ये लोग पढ़ाई छोड़ के। और गरिमा और आशीष ना ऐसे पढ़ाई करने लगते हैं, तो प्रियंका ना जानबूझ के ना गरिमा के ऐसे सट के थोड़ा सा बैठ जाती है। तो अना बोलती है कि हमें मुझे 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 ये डाउट है गरिमा, ये देखो ना ऐसे बोल के जैसे करती है। तो गरिमा उठती है तो प्रियंका को थोड़ा सा साइड होना पड़ता है। तो प्रियंका ने एकदम गुस्से में अनाया की तरफ देखती है और अनाया भी उसको देख के बोलती है देखा मेरे तो हेल्प करेगी ये। तो गरिमा हेल्प उसकी जैसे ही करती है ना, प्रियंका और कोजी होके गरिमा से बैठ जाती है। तो गरिमा उसकी तरफ देखती है बोलती क्या हुआ। तो प्रियंका बोलती है वो मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो क्या मैं तुम्हारे क्लोज होके बैठ सकती हूँ। तो गरिमा बोलती है हाँ इट्स ओके, और ऐसे जो जैकेट पहनी होती है ना वो भी प्रियंका को ढक देती है। तो प्रियंका गरिमा को ऐसे हग करना टाइप करके बैठ जाती है और एकदम विलेन वाली मतलब विक्टोरी वाली नजर से ना अनाया को देखने लगती है। तो अनाया को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, इन लोगों का पढ़ाई कम और टेंशन टेंशन कुछ ज्यादा ही चल रहा होता है। और गरिमा और आशीष फिर से पढ़ाई में लग जाते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई प्रियंका तो कर ही नहीं रही होती। तो गरिमा प्रियंका की तरफ देखती है बोलती कि प्रियंका तुम पढ़ने ही आई हो ना। तो प्रियंका बोलती हाँ मैं पढ़ने ही आई हूँ। तो गरिमा बोलती फिर पढ़ो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, देखो अनाया कैसे पढ़ रही है और तुम वो के आके बैठी हो, बस पढ़ो यार कल तुम्हारा भी एग्जाम है। तो ये सुन के ना अनाया की तारीफ, अनाया बहुत खुश हो जाती है और वो विक्टरी वाले नजरों से प्रियंका को देखने लगती है। और प्रियंका को ना एकदम सड़ जाता है मुंह और वो ना बुक खोल के ना पढ़ने लगती है। और अनाया जैसे ही कोई डाउट पूछने वाली होती है ना, प्रियंका तुरंत से अपना डाउट पूछ लेती है। तो ऐसे करके ना वो अनाया को बस बिल्कुल गरिमा से बात करने ही नहीं दे रही होती है। तो अनाया का ना एकदम दिमाग खराब हो चुका होता है, वो सोच रही होती है अच्छा खासा मैं गरिमा के साथ पढ़ाई कर रही थी, मतलब दिन जा रहा था कहाँ से ही प्रियंका आ गई, इसको तरह से सोसाइटी
डेट करना ही पड़ेगा, और इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इधर हमारी जो प्रियंका है ना, फुल वो गरिमा के क्लोज आ रही होती है, और गरिमा को पता ही नहीं होता ये गरिमा इतनी बूंदों क्यों है यार, जब सामने वाले तो उसको प्यार नहीं कर रही थी तो उसके पीछे भौंपरी हो जा रही थी, और जब सामने वाले भर भर के उसके ऊपर प्यार लुटा रही है, उसको नोटिस ही नहीं करना चाहती है। ब्रो वेकअप वेकअप, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पर लाइन मार रही है और तुम मुझे देख ही नहीं रही। वो ऐसे कहते हैं ना, इन लोगों का रात कट जाता है, और जैसे ही ये लोग वापस जाने वाले होते हैं ना, तो प्रियंका की आंखें एकदम नींद से भरी भरी होती है, तो वो ना लड़खड़ा के चलने लगती है। तो गरिमा बोलती है, वे आर यू ओके? तो प्रियंका बोलती है, प्लीज मुझे हक को लो ना, मुझे गोदी में उठा लो। तो अनाया बोलती, पागल हो क्या, इतनी लंबी चौड़ी है और तुमको वो ये गोदी में उठाएगी? तो गरिमा बोलती, इट्स ओके, उसको नींद आ रही है ना। तो अनया बोलती, तो आशीष को बोलो ना, वो उठा लेगा। तो प्रियंका बोलती, तुमको क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे उठा लेगी। ऐसे बोल के ना उसके कंधे में जानबूझ के वैसे आ जाती है, थोड़ा सा लदना टाइप आ जाती है। तो गरिया बोलती, हे सुनो, तुम पहले जैसे मेरे कंधे पे आती थी तुम वैसे आ जाओ, मैं तुमको उठा के ले जाऊंगी। ऐसे बोल के वो अपना बैग को ना सामने की तरफ रखती है, और अनाया ये चीज देख के ना एकदम जल जाती है। तो आशीष बोलता है, यार गरिमा मैं हेल्प करता हूँ ना। तो गरिया बोलती, नहीं मैं कर लूंगी। और उसको हम जानबूझ के हम अपने आर्म पे लेके ना थोड़ा सा ऊपर उठाती है, ताकि प्रियंका उसके जो होता है ना, क्या बोलती है यार उसको, उसको जैसे कंधे पे उठा के लेके जाते हैं पीछे से, बैग को जैसे ठांगा हुआ, सेम टाइप बच्चों को जैसे हम लेके जाते हैं, वो नहीं याद आ रहा है, बट सेम चीज होती है। और आशी बोलते, हेल्प कर दो, बट गरीब है किसी की हेल्प नहीं लेती, क्योंकि प्रियंका उसकी होती है यार। भले ही प्रियंका किसी और की गर्लफ्रेंड है, फीलिंग्स तो नहीं मरती है ना, सामने वाले के लिए जो होती है। तो गरिमा को भी बहुत अच्छा लगता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम उसको प्रियंका का इतना क्लोज आना, और प्रियंका जो घेरी घेरी जो गर्म गर्म सांसें छोड़ रही होती है ना, और उसके जो बॉडी की जो परफ्यूम, गरिमा को बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा सुकून, और उसके पेट में ना एकदम बटरफ्लाई सी दौड़ रही होती है, और एकदम कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है पता नहीं। वो गरिमा को अपने कंधे में ले लेती है, तो प्रियंका को अपने कंधे में ले लेती है, तो प्रियंका पूरी तरीके से उसके कंधे में आ जाती है, और गरिमा उसको उठा के धीरे धीरे से हॉस्टल में एंटर कर रही होती है। और अनाया को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती, प्रियंका की आंखें बंद होती है, बट अनाया जैसे उसकी तरफ देखती है ना, प्रियंका हल्का सा अपना आंख खोल के ना उसकी तरफ आंख मारती है, और विक्टरी वाली स्माइल देती है, और टाइटली ना गरिमा को हग कर लेती है। तो अनाया को तो पता चल चुका होता है कि ये बंदे जान बुझ के टेंशन दे रही है, और मुझे अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो इसको गरिमा के लाइफ से हटाना ही पड़ेगा। बट भाई उसको कौन बताए, ये हटने वालों में से नहीं है, ये जन्म जन्म तर के प्रेमी है, चाहे लड़ ले मर ले, होना तो इन दोनों को एक दूसरे का ही है। और गरिमा ऐसे बड़े प्यार से उसको उठा के लेके जा रही होती है, और प्रियंका को भी बहुत सुकून मिल रहा होता है गरिमा के इतने क्लोज। उसके जो हेयर के जो शैम्पू की खुशबू ना, वो सारी चीजें वो बहुत ज्यादा महसूस कर रही होती है, और गरिमा को और टाइटली वो हक पे हक किए गई होते, मतलब टाइटली हक किए जा रही होती है। उसका मन कर रहा होता है कि गरिमा के नेक पे वो किस कर दे, बट वो खुद को रोक रही होती है, अपनी आंखें बंद कर रही होती है, बट अंदर पे किसका ही बस होता है। और वो छान बुझ के अपने लिप्स को ना गरिमा के होठों के, मतलब नेक के पास ले जाती है अपने होठों को, और धीरे से उसका किस कर लेती है। पर ये देखिए ना, गरिमा थोड़ी सी घबरा जाती है, और जैसे ही प्रियंका की तरफ अपना सर घुमा के देखना चाहती है ना, तो देखती है कि प्रियंका एकदम बहुत ज्यादा गहरी नींद में, और उसके कंधे पे एकदम सर रख के लेटी हुई है। तो गरिमा को लगता है, नहीं 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 मुझे मुझे कुछ ज्यादा गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर घुस के ना सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पे प्रियंका का दिल बहुत बेकाबू हो रहा होता है गरिमा को अपना इतना क्लोज पा के, उसका बहुत मन कर रहा होता है फिर से और एक बार एटलीस्ट किस तो कर लूँ उसके नेक पे, उसके नेक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते। और यहाँ पे अनाया बहुत ज्यादा सड़ी सड़ी सी होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है, क्या गरिमा और अनाया फिर से पास आ जाते हैं, और हो जाता है इन दोनों के बीच में समथिंग लवी टवी, या अनाया इन दोनों के बीच में घुस के कर देती है कुछ महाकांड। ये सब आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी मेरे यानी अनन्या के साथ। सो आपको अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़े अगर दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ नहीं, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।